आज हम आपको रंगों की दुनिया में ले चलेंगे, जिन्हें हम जीते तो हैं, मगर उन पर ज़्यादा गौर नहीं करते। मेरे अंदर का कलाकार हमेशा भूखा रहता है। कविता, कहानी, रंग, किताब, संगीत, इन्हीं कलाओं से मेरा पेट भरता है। महीनों से मैं अपने ही ख्यालों में कैद थी। 25 जनवरी की शाम मुझसे दीदी ने पूछा, कल वॉल पेंटिंग करने चलोगी? ये चंद शब्द मेरे ख्यालों के रेगिस्तान में ठंडे पानी की तरह बरसे, क्योंकि न जाने कब से मैंने खुद को अपने ही दायरों में बंद कर रखा था। महीनों बाद मैंने अपने दोस्तों को देखा था। किसी के लिए ये एक इवेंट था, किसी के लिए मस्ती, मगर मेरे लिए ये है मेरी आज़ादी, ये ही है मेरी ज़िंदगी। रंग मेरे लिए इसलिए नहीं मायने रखते क्योंकि वो बेहतरीन तस्वीरें बनाते हैं, वो इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि वो मुझे छीना सिखाते हैं। मुझे ये सिखाते हैं कि जैसे बस रंग भरने से दुनिया की हर बिखरी बेजान चीज़ें बेहतरीन की जा सकती हैं, बिल्कुल वैसे दुनिया में हर इंसान, हर रिश्ता, हर पल, हर सपने, ये सभी रंगीन बनाए जा सकते हैं। मगर वो पेंट ब्रश हमें उठाना पड़ता है, कलर्स हमें डिसाइड करने होते हैं, कोशिश हमें ही करनी होती है, अपनी ज़िंदगी का कलाकार हमें बनना पड़ता है। यहाँ दिख रहे मेरे सभी दोस्त अनजाने में ही सही, मगर उसी तरह से पेंटिंग कर रहे हैं जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कुछ कलर्स पर फोकस कर रहे हैं, कुछ फिनिशिंग पर, कुछ पिक्चर्स पर, कुछ अपनी धुन में मस्त है, कुछ दूसरों को हंसाने में व्यस्त है। और रही बात हमारी, मेरी ही तरह मेरी सभी तस्वीरें अधूरी हैं, काफ़ी कमियां हैं इनमें, जो मुझे हर दफ़ा मौका देती है सुधरने का और कभी गुरूर ना करने का। मुझे मुझसे मिलवाती है, मुझे हंसना सिखाती है। उस दिन के अनुभव ने मुझे अलग सी ही रोशनी दे दी, जिन्हें लफ्ज़ों से बयान करने में देखो अंधेरा ढल गया। देर से ही सही, मैं आप तक मेरी कहानी के साथ पहुंच ही गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये कहानी आपसे ज़रूर मिलवाए और आपके होठों पर मुस्कान कायम रह पाए। तो चलिए, अपने अपने पेंट ब्रश उठाइए, अपने पसंद के कलर्स चुनिए और जाइए, बनिए अपनी ज़िंदगी के कलाकार। हमारी कहानी और हमारे सभी दोस्तों से मिलने के लिए दिल से शुक्रिया। हम जल्द ही मिलेंगे कोई और कला के साथ।